हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में फिर से बताने वाला है क्रिपी पास्ता के बारे में। तो आज के इस वीडियो के हमारे क्रिपी पास्ता का नाम है एनोमेली 099, या फिर कई लोग कहते हैं 099, या फिर ग्लिची क्रीचर। तो उसको सबसे पहले लिखा था अगस्त 24, 2019 को, और आगे जो इसकी स्टोरी है वो तो मैं सुनाने वाला हूँ जो उसके ऑथर होने के प्रस्पेक्टिव से। तो एक दिन मैंने सोचा कि सुबह सुबह कि मैं माइनक्राफ्ट का जो अपना वर्ल्ड से खेलने का सोचा मैंने, तो मैंने अपना कोई एक अपने सर्वाइवल वर्ल्ड्स में से एक वर्ल्ड को चुना। तो उसमें जैसे मैं गया तो मैंने वहाँ पे सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, इसलिए मैं उसमें से मैंने केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और मुझे वो ढूंढते ढूंढते कुछ जल्दी मुझे वहाँ पर डायमंड्स मिले। और उसके बाद जब वहाँ से अपने बेस वापस आया तो मुझे लगा कि शायद नेदर वर्ल्ड को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी से नेदर, मैंने वहाँ अपना नेदर पोर्टल बनाया और नेदर में चला गया। और वहाँ मुझे ढूंढते हुए कुछ ही देर में मिल गया नेदर फोर्ट्रेस, और मैंने उसको एक्सप्लोर करने का सोचा। और जैसे मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ बहुत सारे विजर स्केलेटन्स को और कुछ ब्लेज को भी मारा, और उस पर मुझे ज़्यादा कुछ वहाँ से मिला नहीं। तो इसलिए मैं जल्दी ही अपने वर्ल्ड में वापस आ गया, और मैं अपने वर्ल्ड में आके कुछ आयुज वंडर बनाई एंड पोर्टल के लिए। बट फिर उसके बाद मैंने नाइट वन का वेट किया, क्योंकि मेरे पास कुछ एंडर पर्ल्स चाहिए थे और उसको लिए मैं एंडरमैंस से मिल सकती थी। तो इसलिए मैं सोचा रात होने पर एंडरमैंस को मार के उसे कलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही रात हुई, रात को मैं फॉरेस्ट में निकल गया कुछ एंडरमैन को ढूंढने के लिए। और मुझे तीन से चार मिनट लगे एंडरमैन्स को ढूंढने में। और जैसे वो मुझे मिले मैंने उनको मैंने मारा, और मुझे कम से कम 3 से 4 एंडरपल्स मिल गए। और मैं काफ़ी खुश था कि मुझे अच्छे खासे मिल गए। तो उसके बाद मैंने उन लेकर जल्दी से अपने बेस पर चला गया, और मैंने वहाँ जाके बहुत सारे एंडरपल्स आइसोमेंटर बनाए उससे। और उसके बाद मैं सो गया ये सोच कर कि अगले दिन चलेंगे जो बाकी काम होगा। तो जैसे मैं अगले दिन उठा तो मैंने सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए अपने वर्ल्ड को। तो इसलिए मुझे कुछ देर के अपने आगे जाके बेस थोड़ी दूर पे मुझे एक मीसा बायो मिली। तो फिर मैंने सोचा इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो वहीं मैं किसी केव में गया था, वहाँ मुझे एक माइन शाफ्ट मिली। और जब मैं माइन शाफ्ट के अंदर गया तो मुझे वहाँ बहुत सारी गोल्ड लूट मिली। तो फिर मैंने उसको कलेक्ट किया और मैं उसे लेके अपने घर चला गया। तो मैंने घर जाके जल्दी से जो वो गोल्ड जो मिला था उसे मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल बनाए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एंडर सिटी में जाऊँगा और एंडर वर्ल्ड में जाऊँगा तो वहाँ मुझे एंडर ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल अपने साथ रख लिए थे। बट उसके बाद मेरे से कुछ अजीब चीज़ होने लगी कि मेरी जो गेम है काफ़ी ज़्यादा ग्लिच होने लगी थी, मेरी स्क्रीन भी काफ़ी ग्लिच हो रही थी। बट मुझे लगा शायद हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा पुराना है, इस वजह से ग्लिच हो रहा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को वर्ल्ड एंड पोर्टल ढूंढने के लिए शायद और एंडर आई जो बैठे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने रात अगले एक और रात का इंतजार किया ताकि मैं अगले दिन और सारे एंडरपल्स कलेक्ट कर सकूं। तो वैसे मैंने एक रात फिर वेट किया, रात होती मैंने फिर दोबारा से फॉरेस्ट में गया और मुझे वहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन मिल गए थे। तो उनको मैंने मारा और उनसे मुझे बहुत सारे एंडरपल्स मिल गए थे। तो अब मैंने उनको अपने घर लेके गया। तो मैंने घर जाकर जब उनसे आई जो बैठे बना ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे को जो ब्लेज है ब्लेज पावर काफ़ी ख़त्म हो गया था। तो मेरे को लगा कि शायद मुझे इसके लिए दोबारा से वहीं जाना पड़ेगा अपने नेदर में। तो मैं फिर से मैंने सोचा आज सोचा था कि रात होगी, तो मैं सोचा अगले दिन चलते हैं। तो अगले दिन जैसे ही हुआ सुबह हुई मैं वैसे ही दोबारा से एंडर में चला गया, और मैंने वहाँ जाके फिर से नेदर फोर्ट्रेस में जाके बहुत सारे ब्लेज को मारा। और बट इसे मारते मारते मेरे से एक बहुत अजीब गरीब चीज़ होती है कि मेरी ये बहुत ज़्यादा ग्लिच होने लगी थी, ऐसा 2-3 बार हुआ था मेरे साथ। और मुझे बीच में कभी कभी बहुत ही वियर नॉइज भी सुनाई दे रही थी, बट मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे लग सकता है कि शायद कुछ ग्लिच होगा, कुछ गेम में मेरे कंप्यूटर की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। तो फिर मैंने जल्दी इसको अपना जो कलेक्ट उस ब्लेज कलेक्ट करके मैं एंड पोर्टल से बाहर आ गया। तो फिर मैंने फिर वही अपने आईज ऑफ एंडर आईज बनाने कलेक्ट बनाने शुरू कर दी। बट जैसे ही मैं उन्हें बनाने शुरू करने वाला था मैंने अपने इन्वेंट्री को चेक किया, तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर बड़ा शौक लगा कि ये जो ब्लेज थी ऑलरेडी मेरे कॉबलस्टोन का बहुत एक स्टैक था वो पूरा गायब हो गया था वहाँ पर। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है कि इतना सारा सामान एकदम से कैसे गायब हो सकता है। तभी मुझे अपने पीछे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी, और जैसे मैंने पीछे देखा वहाँ पर कोई मूव था ही नहीं। फिर मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा है बहुत दूर से। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे एक एंडरमैन खड़ा था, और उसको देख के मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब एंडरमैन था। वो पूरे ग्लिच्ड एंडरमैन था, उसकी पूरी बॉडी में बहुत डिफरेंट कलर थे और उसका फेस भी थोड़ा अजीब सा था। तो फिर मुझे लगा हो सकता है मोजैक का कोई नया अपडेट होगा जिसमें उसने ऐसा कोई क्रिएचर बनाया होगा। तो फिर जैसे मैं उसके पास गया देखने गया था यह क्या अचानक क्यों गायब हो गया, और उसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से मेरे पीछे देखा। मैंने वही खड़ा था और मुझे गुस्से में देख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी जैसे नॉर्मल एंडरमैन की होती है। तो फिर मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश की, बट जितना मैं उस पर अटैक करता उससे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता उल्टा। पर उसके कुछ देर के बाद मेरी गेम एकदम से ग्लिच हो गई, और मेरे मतलब जो पूरी गेम है उसने काम करना बंद कर दिया था। मेरा प्ले अपनी ज़्यादा हिल भी नहीं रहा था,
और उसके बाद पता नहीं अचानक कैसे मेरी जो वो करेक्टर था वो हवा में उड़ने लग गया, और जो वो अपना एंडरमैन था उसने उसका हाथ काफ़ी लंबा हो गया और उसने मुझे कुछ पंचेस मारे जिसमें, बट वो जितना मुझे मारता मेरी गेम और ज़्यादा लैग होते रहे और कुछ उसके कुछ ही देर के मेरी गेम लैग ग्लिच होकर बंद हो गई थी। पर जब मैंने दोबारा अपनी गेम को ऑन किया तो वो वर्ल्ड अपने आप डिलीट हो गया था। तो गाइस ये थी हमारी आज की स्टोरी, तुम्हें कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी सब एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है तो प्लीज़ इसको सीरियस मान लेना, जैसे कई लोग कमेंट करते हैं उनके लिए है कि लोग कहते हैं कि मैं फेक न्यूज़ फेक बना रहा, तो मुझे पता है भाई ये ओरिजिनल नहीं होती, बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। ओके भाई थैंक यू, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना।